जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम पहले चैप्टर की विविध प्रश्नावली यानी संबंध तथा फलन की विविध प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं। और इस विविध प्रश्नावली में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम आज के वीडियो में बताएंगे। आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको समझें और मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से इस विविध प्रश्नावली को पढ़ सकें और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। संबंध तथा फलन के विविध प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आप देखें अपने बुक में। मान लीजिए एफ सच दैट डब्लू टेंड्स टू डब्लू, डब्लू होल नंबर होता है, होल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं कहेंगे पूर्ण संख्या। तो कोई फलन इस प्रकार है कि पूर्ण संख्या का संबंध पूर्ण संख्या से है और दिया हुआ है कि एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। एफ एन की जो वैल्यू है वो n माइनस वन के बराबर है और ऐसा तब है जब n विषम है। और फिर दिया हुआ है एफ एन इज इक्वल टू n प्लस वन और ऐसा तब है जब n सम है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है, ये जो फलन है आपको सिद्ध करना है कि यह फलन व्युत्क्रमणीय है। और फिर आपसे कह रहा है कि यह का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, मैं आपको बता दूं पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए बढ़िया से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई फलन इस प्रकार है कि पूर्ण संख्या का संबंध पूर्ण संख्या से है और इस स्थिति में एफ एन का मान एन माइनस वन के बराबर है और ऐसा तब होगा जब एन विषम होगा। फिर एफ एन की वैल्यू एन प्लस वन है और ऐसा तब है जब एन सम है। तो कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। पिछले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फलन व्युत्क्रमणीय तब होता है जब फलन एकैकी होता है और आच्छादक होता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि फलन एकैकी आच्छादक है कि नहीं है, इसको चेक करना होगा कि ये फलन एकैकी आच्छादक है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, और अगर एकैकी आच्छादक होगा तो व्युत्क्रमणीय होगा और हम आपको बता चुके हैं कि उस स्थिति में जब ये व्युत्क्रमणीय होता है तो एफ इनवर्स की वैल्यू एफ के ही बराबर होती है। एफ इनवर्स यानी एफ का व्युत्क्रम, और एफ का व्युत्क्रम जो होता है वो एफ के ही बराबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, और फलन व्युत्क्रमणीय है इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि फलन एकैकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। तो एकैकी के लिए फार्मूला मेथड आपको मालूम है। तो चलिए अगर हम मान के चलते हैं कि यन विषम है, ध्यान दीजिएगा, अगर यन विषम है तो एफ एन की वैल्यू एन माइनस वन होगा। और जानते हैं मेथड एकैकी के लिए क्या करेंगे, हम एफ एन वन की वैल्यू निकालेंगे, एफ एन टू की वैल्यू निकालेंगे, एफ एन वन को एफ एन टू के बराबर करेंगे और बराबर करके हल करेंगे। और हल करने के बाद अगर एन वन एन टू के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि एकैकी है। और एकैकी होता है और आच्छादक कब होता है, जब एक का संबंध, ऐसे कह लीजिए आच्छादक तब होता है जब दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध पहले समुच्चय के अवयव से होता है, इस स्थिति में संबंध आच्छादक होता है। तो चलें आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, हम मान करके चल रहे हैं कि यन विषम है, तो अगर n विषम होगा तो fn की वैल्यू n-1 होगी,
और अब हम करेंगे क्या है, एकैकी सिद्ध करना है। तो एकैकी सिद्ध करने के लिए हम n के जगह पे n1 करेंगे, तो fn1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर अगर हम fn2 की वैल्यू निकालें, यानी n के जगह पे n2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका n2 माइनस 1। और फिर fn1 इज इक्वल टू करेंगे fn2, यही मेथड है सॉल्व करने का। तो अब हम fn1 की वैल्यू n1 माइनस 1 और fn2 की वैल्यू n2 माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका n1 इज इक्वल टू n2। हमने आपको बताया था कि हम n के जगह पर n1 रखेंगे, n के जगह पर n2 रखेंगे, fn1 की वैल्यू निकालेंगे, fn2 की वैल्यू निकालेंगे, fn1 को fn2 के बराबर करेंगे। और अगर ऐसा करने के बाद n1 n2 के बराबर आ जाता है, तो जब ये स्थिति होती है तो फलन एकैकी होता है, फलन एकैकी होगा। तो याद रखे रहिए, ये तो हम यह मान करके चले थे कि यन विषम है, और अगर यन सम होता तो क्या होता, यहाँ हम इधर के तरफ कर दे रहे हैं, अगर यन सम होता तो एफ एन की वैल्यू हो जाती एन प्लस वन। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अगर यन विषम होगा तो एफ एन की वैल्यू एन माइनस वन होगी, और अगर सम होगा तो एफ एन की वैल्यू एन प्लस वन होगी। अब हम करेंगे क्या कि फिर एफ एन वन की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया एन वन प्लस वन, और फिर एफ एन टू की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन टू प्लस वन, और फिर हम एफ एन वन को एफ एन टू के इक्वल करेंगे, एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू। तो एफ एन वन की वैल्यू है एन वन प्लस वन, एफ एन टू की वैल्यू है एन टू प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो गया, एन वन इज इक्वल टू एन टू। तो आप देख रहे हैं कि जब यन सम हो रहा है तो भी एन वन की वैल्यू एन टू के बराबर है, जब यन विषम है तो भी एन वन की वैल्यू एन टू के बराबर है, दोनों स्थितियों में सम होने पर भी विषम होने पर भी एन वन एन टू के बराबर है, और जब एन वन एन टू के बराबर होता है तो इस स्थिति में फलन एकैकी होता है। और मैं आपको बता दूं कि n2 का संबंध n1 से है, n2 का संबंध n1 से है, यानी दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो आच्छादक भी होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः फलन एकैकी तथा आच्छादक है, और याद रखे रहिए, जब फलन एकैकी तथा आच्छादक होता है तो फलन व्युत्क्रमणीय होता है, और जब फलन व्युत्क्रमणीय होगा तो व्युत्क्रमणीय माने एफ का इनवर्स, और एफ इनवर्स जो होता है वो एफ के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, और क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है एफ सच दैट आर टेंस टू आर। इसका मतलब कोई फलन इस प्रकार है कि रियल नंबर का संबंध रियल नंबर से है, और एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, तो ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू द्वारा परिभाषित है। तो कह रहा है कि एफ एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए एफ एफ एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी काफ़ी इजी है। तो एफ, और ज़रा देखिए आपकी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, यानी हमको एफ इतने की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सुनिए, एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, तो अगर एक्स के जगह पे हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कर दें, अगर एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कर दें, तो हमको एफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम रख देते हैं इसी में एक्स के जगह पर। तो अब थोड़ा सा जगह हम लोगों को ले करके करना होगा, क्योंकि इसका प्रोसेस लेंदी होगा। तो यहाँ हम देखते हैं एफ और एफ एक्स की वैल्यू, देखिए ये एफ और एफ एक्स की वैल्यू हम रख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो गया। और चलिए हम सॉल्व करते हैं, अब एक्स का स्क्वायर तो एक्स के जगह पे इतना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर,
और माइनस थ्री यक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री यक्स प्लस टू, और फिर इसके बाद हो जाएगा ये आपका टू। तो चलिए देखते हैं फिर क्या है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको मालूम है, इस पर हम सॉल्व कर देते हैं। ये वैल्यू समझे हैं ना, बस यक्स के जगह पे इतना रखा गया है, यक्स के जगह पे इतना रखा गया है, टू जैसे है वैसे आ गया है। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का पावर थ्री, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए क्या हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर, और तीसरे का स्क्वायर कर देंगे फोर हो जाएगा। अब फिर पहले दूसरे के गुणनफल का दो गुना कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स क्यूब, फिर दूसरे तीसरे के लिए क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये हो गया ट्वेल्व एक्स, और फिर पहले और लास्ट वाले का कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, और फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा नाइन एक्स माइनस हो गया सिक्स और प्लस हो गया टू। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो एक्स का पावर फोर, ये है एक्स का पावर फोर, और देखिए ये है माइनस सिक्स एक्स क्यूब, माइनस सिक्स एक्स क्यूब, और फिर देखिए क्या है ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए फिर क्या बच रहा है, ये हुआ नाइन एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स, क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, आप बोलिए। और फिर ये देखिए टू प्लस फोर सिक्स, और माइनस सिक्स तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि f एफ एक्स की जो वैल्यू है वो निकल गई इतना, यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से इन सब क्वेश्चंस को तैयार करते चलें। और वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, कोई फलन है f such that r tends to, अब इसके बारे में बताया कि x is element of r, x जो होगा वो real number का element होगा और इसकी value x is greater than minus 1 and less than 1, यानी x की जो भी value होगी minus 1 से अधिक होगी और 1 से कम होगी, और इस फलन को यहाँ परिभाषित किया है कि fx is equal to x upon 1 plus mod x, मॉड x की वैल्यू आपको पता है कि नॉर्मली मॉड का मतलब होता है दी गई संख्या के वर्ग का वर्गमूल, तो वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन नॉर्मली हम करते क्या हैं कि पॉजिटिव ही लेकर के सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब फिर आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो परिभाषित फलन है यह परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है, तो एकैकी और आच्छादक वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मॉड एक्स इजकल टू एक्स, यानी प्लस एक्स मान लेते हैं, फिर ये हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। आपको सिद्ध करना है कि ये कैकी आच्छादक है, तो तरीका तो वही है कैकी के लिए, हम एफ एक्स वन की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स वन को एफ एक्स टू का इक्वल करेंगे और इक्वल करके सॉल्व करेंगे, अगर एक्स वन इजकल टू एक्स टू आ जाता है तो इसका मतलब कि ये कैकी हो गया। तो चलिए अब हम निकालते हैं एफ एक्स वन की वैल्यू, एफ एक्स वन इजकल टू एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन, और फिर निकाल दीजिए एफ एक्स टू की वैल्यू एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, और अब हम एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू हम करेंगे, देखिए एफ एक्स वन है एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन और एफ एक्स टू है एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे तो x1 प्लस हो गया x1 x2, और यहाँ कर लीजिए 1 का तो x2 प्लस हो गया x1 x2, तो देखिए x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया,
ये आ गया आपका x1 इक्वल टू x2, और x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब कि फलन एक एक ही है। और फिर आच्छादक के लिए हमने एक दूसरा मेथड बताया था कि fx को y मानते हैं और y मान करके हल करते हैं। तो fx को देखिए, ये तो एक एक ही सिद्ध हो गया, आप लिख देंगे कि अतः फलन एक एक ही है। अब हम आच्छादक के लिए देखेंगे, तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम कि fx के जगह fx जो होता है ये y की ही वैल्यू होती है, fx इक्वल टू y होता है, fx के जगह पे y कर देंगे, ये x अपान 1 प्लस x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं y प्लस वाई एक्स इक्वल टू x, और देखिए इसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो y इक्वल टू x माइनस वाई एक्स, तो y इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए 1 माइनस वाई, या यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y अपान 1 माइनस वाई। अब ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे और रख करके हल करेंगे, और रखने के बाद अगर इसकी वैल्यू y आ जाती है तो कह देंगे कि आच्छादक है, यही मेथड है ना सिद्ध करने का। चलिए हम x की वैल्यू यहाँ रखते हैं और रख करके देख रहे हैं क्या मिल रहा है, एफ एक्स के जगह पे वाई अपान वन माइनस वाई यक्स के जगह पे, तो फिर देखिए यहाँ x के जगह पे y अपान 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस x के जगह पे y अपान 1 माइनस वाई। इसको सॉल्व करते हैं, ये y अपान 1 माइनस वाई, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, इसमें मल्टीप्लिकेशन किए प्लस वाई, और फिर ये हो गया 1 माइनस वाई। फिर देखिए क्या मिल रहा है आपको, वाई अपान 1 माइनस वाई, वाई से वाई तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 1 अपान 1 माइनस वाई। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं वाई अपान 1 माइनस वाई, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और नीचे आ गया, ये y अपान क्या छुटा था यहाँ, रुक जाइए, छूट गया है यहाँ, ये y अपान 1 माइनस वाई, और यहाँ बचा 1, और 1 अपान हो गया 1 माइनस वाई। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो गया y अपान 1 माइनस वाई, सॉल्व करेंगे 1 माइनस वाई ऊपर गया 1 नीचे आ गया, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया। ये है f और ये x की वैल्यू थी एफ एक्स, और इसको हमने सॉल्व किया तो मिल गया y। हमने कहा था कि जब fx की वैल्यू y हो जाती है तो फलन आच्छादक हो जाता है। तो अभी हमने एक एकी को भी देख लिया, हमने आच्छादक को भी देख लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है यह फलन एक एकी और आच्छादक है। हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर सब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें, इसका बेनिफिट ले सकें, और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट करके हमें बताइएगा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।